अरे भैया इन लोग की तो वाट लगा दी मैंने। अरे भैया जीत के खुशी मना भैया, मजा आ गया यार। इन लोग के बॉलर काफी सारे लुल है और मैं बहुत ज्यादा चुल हूँ। इन लोग को इतना मारा कि साले को हगीज करवा डाली। अरे भैया यार इतना खतरनाक खेलोगे यार तो कैसे रहेंगे हम लोग यार। आपके जैसा कोई प्लेयर नहीं है दीपक भैया यार। हम लोग तो क्षमा मांगते हैं यार, इतना गजब खेलोगे कह डालोगे यार। अरे मैक्सल भैया तू नहीं जाना तो विराट कोहली और रोहित शर्मा कोई ऐसा प्लेयर है इंडिया टीम के अच्छे अच्छे के छक्के छूर जाए थे। और ये डीकॉक तो कुछ नहीं है एकरा सामने में, बुझली ना। अभी दही अगला मैच में दिखा तू कैसा एका हरावे है। भैया ये तो कहावत आपने सुनाई होगा, बाप तो बाप रहेगा बाप तो बाप रहेगा। अरे डीकॉक भैया आपने तो 109 रन मार दिया, वाह भाई हमने तो कभी नहीं मारा। क्या जोक भैया, डीकॉक भैया 100 रन मार करके अपने आप को नवाब समझते हो। अरे भैया 100 रन तो हम रोज ही मारा था। अरे वाह विराट भाई, अरे वाह मजा आ गया यार। अरे इस शहर के नाती जो हो डीकॉक भाई, बच्चा सबके मार के अपना आपके बहुत बड़का हीरो समझो छो। एक आवे दई अपना ग्राउंड में नौ कुत्ता की मौत मंगली तो हमरो नाम रोहित शर्मा नौ। शहर के नाती 109 रन मार के बहुत बड़का 30 मार खान समझाई छ। ई तो कुछो न हो हमरा सामने, आ न तू मैदान में बतावे छु कैसे गार फारी छु तोर लोग के। अबे भैया रोहित और कोहली दोनों बंदा लुल है यार, एकदम लुल है, महा लुल है यार। ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है यार। सर न जाने सी विराट कोहली और रोहित शर्मा के याद तो मैदान में ना तो तोहर वाट लगा दे तो तोहर टीम के दम हो तो अभी माफी मांग ले बच जाइबे छोड़ दे तो तोरा। अरे डीकॉक बेटा जितना उड़ना है तेरे को उड़ ले यहाँ पे, आने दे गेम में, उसके बाद तेरी इतनी कुटाई करूंगा को तार करूंगा कि तू याद रखेगा जिंदगी भर, समझा ना बे।